बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करना वा कि सब खैरियत न होवोगे। तुहाडे दुआ नाल मैं बिल्कुल ठीक हाँ। तो इस दुआ नाल करने असी अज दी वीडियो शुरू। तो दोस्तों, जैसा कि तुसी देख रहे हो, 9/5 का वाशरूम और बिल्कुल ही न्यू डिजाइन, 10/16 दे विच डायल और बेहतरीन और प्यारी डायल, जिहड़ा कि बिल्कुल न्यू डिजाइन हैगा। तो वो लगाना असी शुरू कर दिता वा। तो दोस्तों, इस तरीके जो तुसी जनाब डायल फर्श का लगाना शुरू करोगे, फर्श तो सब तो जो मेन चीज़ होंगी हैगी साड़ी, जी होडी होंगी, जो तुसी ढक्कन लगाने है अक्सर आउट हो जाता है और डायल काफ़ी यानी कि आउट लगती उसके विच, कोई साइड चुकी होंगी और कोई बैठी होंगी। तो इस तरीके सब तो पहले जनाब तुम होदी का अच्छे तरीके लैवल करो, लैवल करके ढक्कन की फिटिंग करो। फिटिंग तो बाद अपनी टायल की शुरुआत करोगे। जिस तरीके ढक्कन थोड़ा लग्या होगा असं इन पहले सब तो यह करा कि लैवल कट के तुम टायल की शुरुआत करा। तो दीवार मुकम्मल 7 फुट टिकन तैयार है बिल्कुल, जिहड़ा कि तुम देख रहे हो। देखो ये अच्छे तरीके फिटिंग करके नीचे बांड वगैरह लगा के ये तैयारी करा। तैयारी तो बाद देख रहे हो जनाब ये कटिंग करके टायल की असी शुरुआत कर ली है जी फर्श की। दीवारा मुकम्मल देखो माशाल्लाह, बहुत 3D डिजाइन, बहुत प्यारा डिजाइन आया। इन्हें असी बेजल टायल भी कह सकते हैं। तो ये तो पहले जनाब एक मछली डिजाइन आया सी, उसके कंट्रास्ट एक ऐ डिजाइन आया वा बिल्कुल न्यू और बहुत प्यारा लग रहा वाशरूम। तो जो जनाब साड़ी होदी का लैवल हो गया, हूँ असी जो फ्रंट सब तो पहली टायल लगानी है उनकी कटिंग करके, जो भी वह वाधा घाटा होगा साइड से कट के और अपनी टायल का गुनिया वगैरह ओके करके तो यदि शुरुआत कर ली हैगी है। तो अगे वाली इंशाल्लाह जी टायल हैगी बड़ी बेहतरीन लगेगी। और जो ढक्कन है तकरीबन तुम एक अद्धा सुपर टायल तो चुप के रखो ता कि कभी उसके पानी वगैरह नहीं खड़ा होएगा और ना ही कभी तो मसला बनेगा। तो फिटिंग के बच्चे बेहतरीन करके तैयारी हो जाएगी वो। यह देख रहे हो मुकम्मल 3D। तो दोस्तों, जो दीवारा वगैरह लगाने वो मुकम्मल तौर पर अभी पहली वीडियो के भी दस चुके हैं तुहानू, लेकिन फिर भी असं यही कहोंगे कि तो बांड वगैरह अच्छे तरीके से गुबराई करके तो फिर ही टायल लगाना शुरू की करो ता कि कोई मसान वगैरह खाली ना हो और जोड़ा हैगा कि टायल अच्छे तरीके फिटिंग हो जाए। तो फर्श जोड़ा है फर्श असं नीचे प्लस्तर करके जनाब तो बांड ही लगाते होंगे है। बांड तो हट के अगर तुम सीमेंट नहीं लगाओ तो वह भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन जोड़ा कि सिंपल और सही रस्ता हैगा साडा वही है कि एक प्लस्तर करके तो बाद टायल की जी है फिटिंग की जाए। तो जैसा कि तुम देख रहे हो मुकम्मल तौर पर जनाब तैयारी असं बिल्कुल नज़दीक नज़दीक पहुँच गया है जाली दे। और यह देख रहे हो परनाला आ रहा कोने के असी कारनल की टायल कटिंग करके उसकी कलम बना के बिल्कुल फिक्स कर दी हैगी है ता कि परनाला वगैरह जोड़ा है उपर का वो बच्चे नज़र ना आए और टायल भी तैयारी लगे। तो असी गोला नहीं लगाया सी उसके गोले तो बगैर ही जी टायल की जनाब कलम बना के फिटिंग की हैगी है। लो जी इस तरीके ही आ गए जनाब फ्रंट पे। मुकम्मल होगी टायल तो फ्रंट की जो असी टायल लगाने जनाब नीचे फर्श की बिल्कुल लैवल लगानी चाहिए ता कि दरवाज़ा वगैरह लगे और उन्हें कोई मसा ना बने। इस तरीके सब तो जी नीचे वाली दरवाजे वाली साड़ी होंगी जी पट्टी, इन्हों सानू लेवल करना चाहिए। तो इस तरीके मुकम्मल हो गया साड़ा वाशरूम, तुहानू फिर दोबारा विजिट कराने जनाब। यह देख रहे हो मुकम्मल 7 फुट हाइट और यह साडा हौदी तो यह जाले। बाकी फिल्म वगैरह फर इत रह गई इंशाल्लाह वह भी करांगे। टायल हो गए मुकम्मल तौर पर तैयार। तो इस वीडियो में सानू दो इजाजत, इंशाल्लाह कल फिर एक नई वीडियो नाल हाजिर होवांगे। दुआवां दे विच याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।